से मैं खुबुशा खान सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग से अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाके मुतासर। टोरंटो शहर में हुकाम ने सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। अमेरिका में कुछ परवाजों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में एक रैली में इंदिरा गांधी के कत्ल की तस्वीर कुशी। भारतीय वजीर खारजा की तनकीद। सुब्रमण्यम जयशंकर का कहना था कि वाकया कनाडा की इंतहा पसंदी के बारे में सुस्त रवि को जाहिर करता है। कनाडा की ओपोजिशन पार्टी नाकाम। पियर पॉलिवर का ताखीरी हरबा भी काम न आया। कनाडा का वफाकी बजट के नफाज का बिल हाउस ऑफ कॉमन से मंजूर हो गया। कानून बनने से पहले सेनेट को भी बजट बिल को पास करना होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्दे जुर्म आयद। डोनाल्ड ट्रंप आइंदा मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। साबिक अमरीकी सदर ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। 80,000 अमरीकी फौजी नेटो का हिस्सा यूरोप में मौजूद हैं। अमरीकी सदर के कांग्रेस को लिखे गए खत में कहा गया है कि 2,657 अमरीकी फौजी सऊदी अरब में तैनात हैं। अमरीका और बरतानिया का नए स्ट्रेटेजिक माहदे का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग से अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाके मुतासर हुए हैं। माहौलियात के हुकाम ने आतिशजदगी के बायस टोरंटो की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग से अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाके मुतासर हुए हैं। माहौलियात के हुकाम ने आतिशजदगी के बायस टोरंटो की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दिया है। अमरीका ने 600 से ज़ायद फायर फाइटर्स और आलात कनाडा भेजे हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिशों में मदद कर रहे हैं। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा हफ्तों में शुमाली अमरीका के बेशतर इलाकों में एयर क्वालिटी खतरनाक हद तक खराब हो सकती है, जबकि कनाडा के सूबे क्यूबेक से ज्यादा धुआं फैलने का खदशा है, जहाँ 150 के करीब मुकामात पर आतिशजदगी की इत्तला है। फेडरल एविएशन के मुताबिक अमरीका में न्यूयॉर्क तक आने वाली कुछ परवाजों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। फिजाई आलूदगी के बायस अमरीकी शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत जारी की गई है। कैनेडियन हुकाम ने भी इस हवाले से शहरियों को हिदायत की है कि अगर वो घरों से बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के जंगलात में आतिशजदगी के सबब शुमाली अमरीका के शहरियों को घरों से बाहर निकलने की सूरत में N95 मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। आतिशजदगी को क्यूबेक की हालिया बदतरीन आतिशजदगी करार दिया जा रहा है, जिससे तकरीबन 15,000 के करीब रिहायशियों की नकल मकानी का इम्कान है। गवर्नर न्यूयॉर्क ने ऐलान किया है कि शहरियों को फिजाई आलूदगी और धुएं से बचाने के लिए 1 मिलियन मास्क मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक आर्जी सूरत हाल है, ये कोविड नहीं है। न्यूयॉर्क की बसों और ट्रेनों में आला क्वालिटी का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो शहरियों को महफूज सफर फराहम करेगा। अमेरिका के फेडरल एविएशन के मुताबिक रियासत ओहायो और वेस्ट अटलांटिक से न्यूयॉर्क आने वाली परवाजों को रोका गया है। अमरीकी वफाकी एविएशन इदारे के मुताबिक कनाडा के जंगलात में आग से धुएं के बायस हद नज़र कम होने की वजह से परवाजें रोकी गईं। वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया और शुमाली कैरोलिना की परवाजों पर भी असर पड़ सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक कैनेडियन सूबे क्यूबेक के जंगलात की आग से तकरीबन 38 लाख हेक्टर रकबा जल चुका है।
कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में एक रैली में इंदिरा गांधी के कत्ल की तस्वीर कुशी पर भारतीय वजीर खारजा ने कनाडा पर शदीद तनकीद की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के वजीर खारजा कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में होने वाली एक परेड की उन तस्वीर की मजम्मत कर रहे हैं जिसमें 1984 में वजीर आजम इंदिरा गांधी के उनके दो सिख मुहाफिजों के हाथों कत्ल की तस्वीर कुशी की गई है। कैनेडियन मीडिया ने मुख्तसर वीडियो के माखज़ की तस्दीक नहीं की है जिसमें एक मजाफाती सड़क पर पगड़ियों में मलबूस मर्द गांधी से मुशाबहत रखने वाली खातून की तरह बंदूकें उठाते हुए परेड का फ्लोर दिखाता है। हिंदुस्तान के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का कहना है कि ये वाकया कनाडा के इंतहा पसंदी के बारे में सुस्त रवि को जाहिर करता है। उनका कहना है कि ये वाकया ताल्लुकात के लिए अच्छा नहीं है और कनाडा के लिए अच्छा नहीं है। नई दिल्ली ने तवील अरसे से यह इस्तदलाल किया है कि सिख अलहदगी पसंदों के लिए कनाडा का आजादाना इजहार ख्याल बहुत आगे है। कुछ मंदिरों में 1985 में एयर इंडिया की परवास पर होने वाले बम धमाके जैसे तशद्दुद की कार्रवाइयों से मुंसलिक लोगों की खुलेआम तआज़ीम की जाती है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि उनकी हुकूमत हैरान है कि ओटावा एक आज़ाद रियासत की वकालत करने वालों को इतनी आज़ादी देता है जिसे वो खालिस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान में कनाडा के एलची ने भी परेड की मजम्मत करते हुए कहा कि वो उन खबरों से हैरत ज़दा हैं कि उसने कत्ल का जश्न मनाया। हिंदुस्तान में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरॉन मैके ने ट्विटर पर लिखा कि कनाडा में नफरत या तशद्दुद की तारीफ के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उन सरगर्मियों की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। इंदिरा गांधी के 1984 के कत्ल के बाद हिंदुस्तानी फौज ने सिख मजहब के मुकदस तरीन मंदिर पर हमला किया जिसके बारे में हिंदुस्तान का कहना था कि अलहदगी पसंदों के तशद्दुद के खतरे पर काबू पाने के लिए ये जरूरी था। कनाडा का वफाकी बजट के नफाज का बिल कंजर्वेटिव की जानिब से उसे रोकने की कई दिनों की कोशिशों के बाद हाउस ऑफ कॉमन से मंजूर हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा का वफाकी बजट के नफाज का बिल कंजर्वेटिव की जानिब से उसे रोकने की कई दिनों की कोशिशों के बाद जुमेरात को हाउस ऑफ कॉमन से मंजूर हो गया। 177 के मुकाबले में 146 के वोट से बिल C-47 बजट नफाज एक्ट 2023 नंबर एक जैसा कि उसका उनवान है ऐवान में आखिरी मरहले में लिबरल्स और NDP की हिमायत से मंजूर कर लिया गया जबकि कंजर्वेटिव और ब्लॉक क्यूबैक्स ने उसकी मुखालफत की। अब ये सेनेट में है जहां ओमनी बस कानून साजी का पहले से मुताला जारी है। 430 सफहात पर मुश्तमिल ये बिल अप्रैल में नायब वजीर आजम और वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से कैनेडियंस की जेब कुतुब सेहत आमा की देखभाल और साफ मईशत पर मुसलसल खसारे के अखराजात के मंसूबे की नकाब कुशाई के बाद पेश किया गया था। बिल की मंजूरी पर हुकूमत की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। इस बिल में रिहायशी जायदादों के लिए एक नया एंटी फ्लिपिंग टैक्स ताजरों के टूल्स की कटौती को दुगना करना और कनाडा के कारकुनों के फायदे में इजाफा कम आमदनी वाले कारकुनों की मदद के लिए काबिल वापसी टैक्स क्रेडिट शामिल है। ये बिल यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पाबंदियां भी वजह करता है और रूस और बेलारूस पर महसूलात बढ़ाता है। कंजर्वेटिव ने इस हफ्ते के शुरू में इसकी 900 शिकों को खत्म करने वाली तरामीम मुतारिफ कराते हुए इस बिल का ज्यादातर हिस्सा हजफ करने की कोशिश की ये कहते हुए कि वो बजट में तवाजन पैदा करने का मंसूबा चाहते हैं। इन तखमीनों के दरमियान जिसमें वफाकी खसारे का कोई खात्मा नजर नहीं आता कानून बनने से पहले सेनेट को भी बजट बिल को पास करना होगा और सेनेटर्स पहले ही इसकी दफात के लिए घंटों का मुताला कर रहे हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई। उन्हें न्यूयॉर्क में भी फौजदारी मुकदमे का सामना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर नई फर्द जुर्म अहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुतालिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई है। वो मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। दूसरी जानिब समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में साबिक सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें फर्द जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया है ताहम ये मुकदमा अफवाहों पर मबनी है वो बेकसूर है। डोनाल्ड ट्रंप आइंदा मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। दूसरी जानिब उन्हें न्यूयॉर्क में भी फौजदारी मुकदमे का सामना है। वाज़ह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल हैं और तमाम रिपब्लिकन उम्मीदवारों में अब भी सबसे ज्यादा मकबूल हैं। ख्याल रहे कि अमरीकी तारीख में ये पहला मौका है कि किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना है। अमरीका और बरतानिया के दरमियान नए खतरा से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक माहदे का ऐलान कर दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान नए खतरा से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक माहदे का ऐलान कर दिया गया। जो बाइडन ने कांग्रेस से बरतानिया को दिफाई खरीदारी के लिए डोमेस्टिक सोर्स के तौर पर नामजद करने के लिए बात करने
पर भी रजामंदी का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में रूस, चीन और इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम का मुकाबला करने के लिए खसूसी ताल्लुकात कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक ने कहा कि चीन और रूस जैसे ममालिक दानिशवराना इमलाक का इस्तेहसाल या चोरी, आमराना मकासद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या तवानाई जैसे अहम वसाइल वापस लेने के लिए तैयार है, वो कामयाब नहीं होंगे। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कांग्रेस को भेजे गए एक खत में कहा है कि नेटो अफवाज में शामिल 80,000 अमरीकी फौजी उस वक्त यूरोप में मौजूद हैं। जो बाइडन ने सूडान में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का जिक्र किया जिनमें अमरीकी शहरियों को इनकलाब फराहम करना था। खत में कहा गया है कि उन्होंने 23 अप्रैल को मिलने वाली इत्तला के बाद अमरीकी फौजी अहलकारों को सूडान में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के जवाब में दारुलहकूमत खरतूम से अमरीकी सिफारती अहलकारों और दीगर अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन करने की हिदायत की। रूसी खबर रसा इदारे के मुताबिक दस्तावेज में कहा गया है कि अमरीका के 80,000 फौजी अहलकारों को इत्तेहादियों को यकीन दिलाने और मजीद रूसी जारहियत को रोकने के लिए यूरोप में नेटो के ममालिक में तैनात किया गया है। इस वक्त नेटो की कोसवो फोर्स की अफरादी क़ुव्वत 3,800 है जिनमें अमरीकी फौजियों की तादाद 591 है। दस्तावेज में बताया गया है कि 2,657 अमरीकी फौजी सऊदी अरब में तैनात हैं। ये सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करते हैं। ये फौजी फिजाई और मिजाइल दिफाई सलाहियतें फराहम करने के साथ साथ अमरीकी फौजी तैयारों के ऑपरेशन में मुआवनत भी फराहम करते हैं। दस्तावेज के मुताबिक दाइश से निमटने के लिए उर्दन में तकरीबन 2,900 अमरीकी फौजी तैनात किए गए हैं। लेबनानी हुकूमत की दरख्वास्त पर 89 अमरीकी फौजी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद कर रहे हैं। दाइश से निमटने के लिए तुर्की और यमन में अमरीकी अफवाज भी तैनात की गई हैं, लेकिन खत में उनकी तादाद जाहिर नहीं की गई। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।